हमारे वहाँ बढ़िया मिलते हैं भाई, अपने चंडीगढ़ या अपने हरियाणा में या पंजाब में वहाँ लेते हैं ना, वहाँ बढ़िया मिलते हैं वो वाले। डाल दो चॉकलेट चिप्स आती है, चॉकलेट के दाने आते हैं तो अच्छा लगता है वो क्रंच टाइप में। हाँ तो वहाँ पे आप चले जाओ और वहीं स्टॉप होता है, आपको बस लेने आएगी और वहाँ से आगे। और ये पीछे जितने हैं ना ये शोरूम से, ये भी सारे बंद हो जाएंगे यहाँ आराम से, अब कोई शोर शराबा नहीं होगा, थोड़ी देर के बाद ये सारा बंद हो जाएगा बिल्कुल। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने नए व्लॉग में। मैं आपका दोस्त दोस्त जेडी, आज मैं रात को निकला हूं सूरत में। और ये क्या है, मैं अभी ये चेक करने जा रहा हूं यहां पे जो नाइट फूड है वो कैसा मिलता है। यहां पे बड़े अजीब से नाम है यार फूड के ना, थेपली, ढोकला, कोकम और क्या था, वेफल और भी थे यार अजीब से नाम थे। तो एक बार उन सारी चीज़ों को ना ट्राई करता हूँ मैं और टेस्ट बताता हूँ भाई कैसा है। तो चलो चलते हैं आगे। और यहाँ पहुँच गए हैं दोस्तों पानी पूरी वाले के पास, तो एक बार ना पानी पूरी चेक कर लेते हैं। कई यार काफ़ी पानी होते हैं इनके पास अलग अलग किस्म के, तो एक बार ये भी चेक कर ही लेते हैं भाई। और तो हमने कई जगह खाए हैं तो यहाँ पे भी खा ही लेते हैं भाई। हमारा खाया भी ये पहले ही प्याज डाल दी इसके अंदर, उसमें डाल के खाया यार। अच्छा अपने आप ही डाल लें, ये भी सही है भाई। ये भाई यहाँ पे ना ये अलग तरीके का लगा मेरे को ना कि पानी पूरी के लिए ना प्याज ही अलग से दे देते कि अपने आप ही डाल लो। ये भाई दिखा है, ये मिर्ची ज़्यादा खाते हैं भाई गुजराती बंदे ना। ये बढ़िया था भाई, पानी पूरी का टेस्ट तो ना ठीक ठाक सा था। उन्होंने क्या किया प्याज अलग से दे दिए कि आप अपने आप डाल लो, बस ठीक ही लगा यार, इतना कोई खास सा नहीं लगा पानी पूरी का। वो हमारे वहाँ बढ़िया मिलते हैं भाई, अपने चंडीगढ़ या अपने हरियाणा में या पंजाब में वहाँ लेते हैं ना, वहाँ बढ़िया मिलते हैं वो वाले। ये तो तीखे तीखे में पानी पानी का है भाई, कोई टेस्ट ही नहीं था। करे आप अब वो डाल दे मीठा, मेरे को लगा कुछ अलग से मीठा पानी होगा, उसी में सॉस डाल दी और दे दी, ऐसा ही था भाई। ओ ये तो ना के बराबर है, मेरे को तो नहीं आया पसंद, बाकी भाई जिसको पसंद है ज़्यादा वो ले लेना। अब आगे चलते हैं यार, आगे ना फ्रेंकी ट्राई करेंगे और कोकम ट्राई करेंगे। यहाँ पे दोस्तों इधर क्या है, यहाँ पे तो गोलगप्पे की रेडी है, पानी पूरी है, और यहाँ पे ना सब्जी का नाम दिख रहा है फ्रेंकी, तो एक बार देखते हैं यार इसका ना, मैंने काफ़ी बार सुना भी है यहाँ पे कि लोग कह रहे थे कि फ्रेंकी खा लो आप, तो एक बार देखते हैं इसको कि ये बनाते कैसे हैं और इसका एक बार टेस्ट भी करके देखते हैं। आओ कितने का है ये, 50 का? वेज होता है नॉन वेज होता है? वेज होता है। दिखाइए एक बार मेन्यू होगा आपका, दिखाइएगा। ये है भाई वेज फ्रेंकी 40-50। एक बना दो फिर, आप बनाओगे भैया? तो वेज फ्रेंक ही बना दो यार। लो भाई देख लेते हैं किनका भी, अभी साथ के साथ बनाओगे या रेडी करके रखते हो? मैं अभी बनाऊंगा। चलो बना दो भाई फिर तो। लो भाई गैस कर दी है ऑन, इधर से दिखाता हूँ मैं आपको ना आगे से। डालोगे क्या क्या? ये क्या है? रोटी। ये आपने रोटी पे बटर लगा दिया है? आलू टिक्की। गोल होती है ये, कैसी है? ये आते है। अच्छा ऐसा ही आता है, चलो भाई। अच्छा अच्छा कटलेट टाइप में, ठीक है भाई। चलो भाई आलू इस टिक्की पे भी लगा दिया इन्होंने बटर। चलो ओ
ये किस चीज़ की, आटे की होती है? मैदे की। जैसा रोल होता वैसा ही? अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसको घर से रेडी करके ले आते हो आप? ठीक है, चलो फिर तो एक बार खिला दो भाई, देख लेते हैं टेस्ट करके भी। ये क्या डाला इसमें? मलाई, मेयोनीज़। अच्छा मेयोनीज़ डाल दी, ये चटनी डाल दी भाई। इस पे रख दिया टिक्की, आलू का टिक्की। हाँ आलू का टिक्की आपने बताया था। ये ले लिया दोस्तों हमने फ्रैंकी, और इसका टेस्ट ही बताता हूँ मैं। टेस्ट तो बढ़िया भाई, जैसा उन्हें तब मैक पफ होता है वैसा वैसा सा लग रहा है। ये टेस्ट बढ़िया रहा, ऐसा कुछ नहीं है, सही था ये तो इसका टेस्ट। और अभी चलते हुए आगे जा ही रहे हैं भाई। और एक और है, यहाँ बताया इन्होंने कि कोको ना कुछ खाने की चीज़ नहीं होती है, कोको एक लिक्विड में होता है, वो जो आइसक्रीम वाले होते हैं उनके पास मिलता है, तो वो भी एक बार ट्राई करेंगे यार कैसा होता है। अभी तो यही खाते हैं। ठीक है, पर है थोड़ा यार हैवी सा, पेट भरते हैं मेरे को तो यही लग रहा है, यही ऐसा ही है। ये बता रहे हैं कि रात को तो भैया आप ये फ्रैंकी मोमोज या अंडे वो मिल जाएंगे। और यहाँ पे ना क्या यार, ऑमलेट भी 15 तरह के ऑमलेट बनाए जाते हैं यहाँ पे, ये बता रहे थे यहाँ पे ना, कह रहे हैं आपको वैसे भी रात को तो यही है फ्रैंकी या अंडे या मोमोज और रोल, ऐसा कुछ मिल सकता है वैसे, और कुछ नहीं मिलेगा। बढ़िया, घूमते घूमते खाते रहो यार, मैं निकला आया था आगे तक, एक बार देखते हैं क्या क्या यहाँ मिलता है, कैसा टेस्ट होता है। तो भाई ये टेस्ट इसका मेरे को बढ़िया लगा, ये यहाँ ट्राई कर सकते हो आप, इसको तो मैं दोबारा खा लूँगा पक्का। यार देखो नाइट में ना यार ये देखो ऐसे लोग बैठे होते हैं, ये जगह मेरे को बढ़िया लगती है भाई, ऐसे ना बैठ गए आराम से बातें कर रहे हैं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई कुछ नहीं, उससे क्या है यार आपकी पूरे दिन की फ्रस्ट्रेशन आराम से निकल जाती है। बाहर आराम से बैठोगे आप आधा एक घंटा बैठ के, फिर आप सोने के लिए जाओ, वो बढ़िया है यार, यहाँ खाते ही सो जाओ। कुछ तो फैट बढ़ेगा, कुछ वैसी टेंशन रहेगी आपके अंदर में। हेलो भैया, मुझे बताइए कोको होता है कोकम होता है? कोको होता है सर। कोको होता है आपके पास मिलता है? दे दो यार, मैं अभी तक पता क्या सोच रहा था, कुछ खाने की चीज़ होती है कोको। कोकम तो ये फ्लेवर है अपने पास। अच्छा कोकम फ्लेवर होता है, ओके कोकम फ्लेवर होता है भाई, तो दिखा दो यार एक बार कोको कैसा होता है। मैं ना अभी तक यही बातें करता आ रहा था कि कोको शायद कुछ खाने की चीज़ होगी, और फ्रैंकी वाले ने बताया कि नहीं सर कुछ ना पीने के लिए होता है और आइसक्रीम वाले के पास मिलता है। तो भैया कह रहे कोकोम तो इसके पास एक फ्लेवर है, कोको होता है, तो एक बार उसको भी ट्राई करते हैं। ये रहा भाई, ये क्या डालनी है? डाल दो जो डलती है डाल दो यार, तो कैसा होता है इसका टेस्ट? चॉकलेट जैसा ही होता है? हाँ हाँ चलो भाई एक बार इसी को टेस्ट कर लेते हैं। तो अच्छा लगता है वो क्रंच टाइप में। हाँ। डाल दो फिर एक बार ट्राई तो कर ही लेंगे यार वो भी। अच्छा किसी किसी को पसंद आता है किसी को नहीं आता उसके हिसाब से, ऐसा भी कुछ है। अच्छा बढ़िया डाल दो, बढ़िया भाई
मेरे को आ जाएगा टेस्ट। ये हो गया भाई, तो कितना हुआ इसका? 40। भाई ले लिया कोको और अब चलते हैं। ये देखो सामने ना, ये है एक बैठने के लिए वहाँ पे, ये ठीक है, तो वहीं चलते हैं, जगह मिल जाएगी। तो पहले तो रोड क्रॉस कर ले आराम से। ये उन्होंने ना चॉकलेट या कुछ क्रंच से भी डाल दिया, कह रहे किसी को पसंद नहीं आते हैं, आपको पसंद आए तो देख लेना। तो मेरे को उसने खिलाए भाई, पसंद आए मेरे को तो। मगर डाल दे भाई, जो डलता है डाल दे। चलो ये है भाई यहाँ पे ना, ये देखो इधर, ये यहाँ पे है बैठने के लिए। तो अभी मेरे को कहाँ मिलेगी जगह? मेरे को जहाँ जगह मिलेगी, ये मेरे को बढ़िया लगता है यार, मेरे को ना ये जगह मस्त लगती है। यहाँ पे आराम से बैठे रहते हैं रात को 12-12 एक एक बजे तक, अच्छी हवा चलती है। तो मैं तो भाई अभी चेयर ढूंढ रहा हूँ, मेरे को चेयर मिले तो कहीं बैठने के लिए। सारी जगह भरी पड़ी है, वहाँ बैठूँगा, वहाँ बैठता हूँ पीछे, इनको तो ट्राई कर ही लेंगे भाई। यहाँ पे भाई ऐसा यहाँ बैठते हैं। और ये भाई जो इनका नाम है कोको चॉकलेट शेक, ये तो हमने ले लिया, तो इसको भी ट्राई करेंगे। तो ये मेरे को ना ये जगह बड़ी प्यारी लगती है, यहाँ पे रात को मैं भी आता हूँ ना 12-1 बजे तक बैठा रहता हूँ, ये सही है, यहाँ बच्चे खेलते रहेंगे, बैठे रहो, अच्छी हवा चलती है और पोल्यूशन भी कम है यार यहाँ पे ना, ये सही है। ये अभी तो यहाँ चल रहे हैं देखो, ये ना फुहारे से थोड़ी देर में बंद हो जाएंगे। और ये पीछे जितने हैं ना ये शोरूम से, ये भी सारे बंद हो जाएंगे यहाँ आराम से, अब कोई शोर शराबा नहीं होगा, थोड़ी देर के बाद ये सारा बंद हो जाएगा बिल्कुल। मैं ना बात कर रहा हूँ आप लोगों से, सारे इधर उधर से जा रहे हैं, मेरे को देख रहे हैं। तो भाई इसको भी एक बार ट्राई कर लें, बताऊँगा आपको टेस्ट कैसा है। जैसा डार्क चॉकलेट नहीं होती है, जैसे हम पेस्ट्री खाते हैं वैसा टेस्ट है। आज तो बेइज्जती होते होते बची ना भाई, कोकम मैं कहीं और मांग रहा हूँ, कोको कोकम ये क्या चीज़ें होती हैं। सही है, उसने मेरे को बता दिया कि कोको होता है एक लिक्विड फॉर्म में और आइसक्रीम वाले के पास मिलता है, ये सही था। और उसने बढ़िया दिया यार, पहले तो यार उसने फ्रेंकी ने पेट भर दिया, बाकी रही की कसर अब ये चॉकलेट शेक कर देगा पूरी यार। सारी जगह ना अलग अलग नाम होते हैं, चीज़ें तो वही होती है, जैसे फ्रेंकी था भाई अपने वहाँ रोल होता है या फ्रेंकी बोलते हैं, जो करंस आ रहा ना भाई ये बढ़िया लग रहा मेरे को ना। ये पैसा वसूल है भाई, 40 रुपये पूरा पेट भर देता है ये। तो हो गया फाइनली ख़त्म, तो डालते डस्टबिन में। और यहाँ पे मेरे को मिल गया यार, देखो ना इधर था जो मैं बता रहा था आपको, यहाँ मिल गई मेरे को ना जगह, तो थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं और बातें करते हैं आपसे। सूरत यार है बढ़िया, साफ सुथरा से है यहाँ पे, मतलब 10 दिन का आप ट्रिप निकाल सकते हो यार, अच्छी जगह है यहाँ पे घूमने में यार काफ़ी। अगर डे बाय डे भी आप जाते हो ना लिस्ट बना के, तो 8-10 जगह तो बहुत बढ़िया है, आप जा सकते हो। और लोग भी बहुत अच्छे हैं यार, बहुत कोऑपरेटिव हैं। थोड़ा सा ना लैंग्वेज का यार ये है वो, एक दो चीज़ें ऐसी है कि यार तो पता नहीं अजीब सी जो समझ नहीं आती यार, बाकी थोड़ा बहुत अगर थोड़ा ध्यान दोगे तो समझ भी लोगे यार, कोई वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होती है किसी चीज़ की यार। खाने का भी वही सारी चीज़ें सेम है यार, ऐसा भी नहीं है कि कुछ अलग ही चीज़ मिल रही है आपको जो आप नहीं खा सकते हो। अब बस ये है थोड़ा ये स्पाइसी खाते हैं, इतना है, वो चीज़ को आप मैनेज कर सकते हो यार, उनको पहले बोल दो कि स्पाइसी ना बनाओ, बस इतना ही है और कुछ ज़्यादा नहीं है। बाकी मज़ा आया भाई यहाँ पे ना, अभी रात को हम निकले हैं, रात को भी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई भी आपको कुछ बोल दे कि क्या कर रहे हो कहाँ से आए हो, ऐसा कुछ नहीं है। बेधड़ाके से घूमो भाई, आप लेडीज़ हो जेंट्स हो कोई भी घूमते रहो यहाँ पे देर रात तक, कोई रोक टोक नहीं, कोई कुछ नहीं भाई। और यहाँ पे ना पुलिस है, जो इनकी पुलिस ब्रिज लिखा होता है इनके जो टी शर्ट के पीछे ना, जो पुलिस है यहाँ की, तो यहाँ सारा ना प्राइवेट है यार, पुलिस भी प्राइवेट ही है यहाँ की। और क्या है यहाँ डायरेक्शन भी आपको मिल जाती है यार, कहीं इधर उधर जाते हो ना तो रोड के ऊपर डायरेक्शन मिल जाती है कि वहाँ से वहाँ जाओ वहाँ से वहाँ। और बस के लिए ना इन्होंने अलग से रूट बनाया हुआ है, वो भी मेरे को अच्छा लगा यहाँ पे, जैसे साइकिल ट्रैक होता है वैसे एक ना बस का ट्रैक भी बनाया हुआ है, तो वहाँ पर आप चले जाओ और वहीं स्टॉप होता है, आपको बस लेने आएगी और वहाँ से आगे।
भाई मैं घूमा नहीं क्योंकि ना मुझे रूट का नहीं पता था बस के रूट का ना यहाँ पे, इसलिए मैं तो यहाँ घूमा नहीं बस में। पर मैंने यहाँ ना ऑटो जो यहाँ का इनका फेवरेट ट्रांसपोर्ट है ऑटो, मैंने वो ले ली थी। तो जितने दिन रहा मैं यहाँ ऑटो में ही घूमता रहा, यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ, एक ऑटो वाले का नंबर ले लिया मैंने, मतलब आता हूँ तो उसी से बात करता हूँ मैं, तो उसने मेरे को पिक कर देता था, ड्रॉप कर देता, उसको बता देता था कि 2-3 घंटे लगेंगे मुझे यहाँ। तो सही था भाई, ये चीज़ बढ़िया थी। अपना व्हीकल होता तो कहीं ना कहीं खड़े करने की, पार्किंग की दिक्कत भाई, क्योंकि यहाँ का यार इतना नहीं पता। अब हम GPS लगा के भी चलते तो कितना आगे तक चले जाते भाई, कोई चीज़ें तो हमसे भी मिस हो जाती। तो उसने मेरे को सारी बताई कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे भैया घूमने की ये जगह है, ये सही था। तो दोस्तों यहाँ पे हमने आपको सारा घुमा दिया है, अब चलते हैं घर पे, रेस्ट करते हैं। टाइम 11:30 का हो गया है, यहाँ पे पीछे जितना फूड था वो सारा हमने दिखाया। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा, ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग व्लॉग देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे JD व्लॉग्स के साथ, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।